जलवा के पात पर उगे लन सूरज मर जाके धूप जलवा के पात पर उगे लन सूरज मर जाके धूप करलू छठ बरतिया से जाके धूप करलू छठ बरतिया से कांदिवली पूर्व स्थित लोखंडवाला टाउनशिप में महाराणा प्रताप गार्डन में पिछले 8 सालों से छठ मैया का महापर्व का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके आयोजक मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव और वार्ड नंबर 28 के कांग्रेसी नगर सेवक राजपति यादव जी करते आए हैं। लोखंडवाला की बात हम करें तो काफी संख्या में उत्तर भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी गई। अजंता यादव और राजपति यादव ने सभी देशवासियों को छठ मैया की ढेर सारी बधाइयां दी। उत्तर भारतीयों के त्योहार जो कहा जाता है छठ मैया का, उसके बारे में आज हमें कांदिवली में मेरे पति देव आदरणीय राजपत यादव जी और हमारी संस्था राजपत सेवा मंडल, उसी के द्वारा हमने आयोजन किया है। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल है और हमको बहुत बहुत ही सुख मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज छठ मैया का हमने यहाँ पे सभी के लिए आयोजन किया है। हमारी महिलाएं जो कांदिवली क्षेत्र में रहती हैं, दामोनगर हो, चाहे वो हनुमान नगर हो, चाहे वो क्रांति नगर हो और चाहे वो अगल बगल का जो भी अशोक नगर हो, पोईसर हो, ये सारी बस्तियां हैं, इनमें बहुत अधिक प्रमाण में उत्तर भारतीय रहते हैं और ये छठ मैया की सभी उपास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो हमने एक सोच रखी थी कि हमारे विभाग में महाराणा प्रताप ये गार्डन बना, हमने उसको पूरा डेवलप किया और यहाँ पे हमने छठ मैया की कार्यक्रम के आयोजन के लिए तालाब बनाए और आज आपने देखा कि हजारों की तादाद में हमारे इस कांदिवली क्षेत्र में लोखंडवाला में Thank you.
आज छठ का महापर्व है तो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और पूरा बिहार उस छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाता है। आप जो मेला देख रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारी माताएं बहने हैं कल शाम का प्रसाद ग्रहण की है। आज पूरा दिन पूरा रात निराजल उपवास रह करके तब सुबह प्रसाद ग्रहण करके उपवास छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ा त्यौहार है और छठ का जो त्यौहार है खाली बिहार तक सीमित न करके आज पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जहाँ भी उत्तर भारत के लोग हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोग उत्तर बिहार के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के लोग हैं और पूरे धूमधाम से छठ का त्यौहार मनाते हैं। मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ, इस छठ के महापर्व पर छठ मैया से मेरी प्रार्थना, उनके चरणों में प्रार्थना है, छठ मैया आप सबको आशीर्वाद दीजिए, सबका विकास हो, उन्नति करो, भाईचारा बढ़े। जो हमारे प्यारे बच्चे इस देश के भविष्य है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे पढ़े लिखे, आज तो बहुत सारे स्पोर्ट है, खेल कूद है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को सफलता मिले, जो हमारे देश के भविष्य है। और फिर से मैं मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वार्ड क्रमांक 28 की तरफ से सभी छठ व्रतियों को हार्दिक शुभेच्छा देता है। मनोज तिवारी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मनोज तिवारी को पूरा लोगों ने एक स्कोप में बढ़ाया, एक जगह लाया। आपने देखा होगा एक शिक्षिका ने उन्हें एक कहा कि अब गीत गाइए, स्कूल का प्रोग्राम था और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और उन्होंने उसको सस्पेंड करने का आदेश दिया। तो मनोज तिवारी की माता जी तो छठ की व्रत रहती थी, उनकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से किसी माता बहन पे टीका टिप्पणी करना गलत है और किसी का उपहास हो रहा है उन्होंने पूरे छठ के पर्व का, और उनका मैं निषेध करता हूँ। कैमरा पर्सन मनीष महाराज के साथ गीता यादव, मेट्रो मुंबई।